ये हंड्रेड डेज ऑफ कोड हमारा नेटफ्लिक्स की तरह चल रहा है लोग आ रहे हैं रोज देखने के लिए टीवी सीरीज की तरह मजा आता है यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में देखो हमने स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा हमने ये देखा था कि स्ट्रिंग क्या होती है हमने देखा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है हमने ये भी देखा था कि स्ट्रिंग को बनाने के और कौन कौन से तरीके हैं आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक स्ट्रिंग के साथ ऑपरेशन किस तरह से किए जा सकते हैं जैसे मान लो आप एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहते हो अपर केस में मान लो आप लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो पूरी स्ट्रिंग को जो की अपर केस में लिखी हुई है एक स्ट्रिंग की लेंथ निकालना चाहते हो कैसे निकालोगे ये सब चीजें आप लोग बताऊंगा जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपनी रेपल में एक्सेस नहीं किया जरूर से एक्सेस कर लें या क्लिक करके बुकमार्क करें और या क्लिक करके सेव कर लें आज देखने वाले कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स को मान लो मैंने यहां पर लिखा ए इज इक्वल टू हैरी ये एक पाँच लेंथ की स्ट्रिंग है मुझे पता है हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लेन ऑफ ए को हम प्रिंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से और हमको पाइथन जो है पाँच दे देगा ठीक है कोई बड़ी चीज़ नहीं थी उसमें हमको पाँच मेला भी था लेकिन क्या करूंगा मैं अगर मैं चाहूंगा कि मैं इस स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर दूं सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को जो समझाना चाहता हूं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबिलिटी ठीक है ये चीज़ मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ जो स्ट्रिंग्स हैं वो इम्यूटेबल होती है ठीक है यानी कि आप उनको चेंज नहीं कर सकते लेकिन आप उनको चेंज भी कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते आप उनको इन प्लेस चेंज नहीं कर सकते लेट मी एक्सप्लेन जैसे कि मान लो मेरे पास एज इकल टू हैरी है तो ए ही वेरिएबल को मैं एज इट इज चेंज नहीं कर सकता ये जो बन गई वो बन गई मैं इसकी एक नई कॉपी बना सकता हूँ तो जब मैं यहाँ पर स्ट्रिंग का कोई भी मेथड अप्लाई करता हूँ जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए डॉट अपर तो एक नई स्ट्रिंग मिलती है मुझे ठीक है एक नई स्ट्रिंग मिलती है जिसमें सारे के सारे जो लेटर्स हैं जो कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में मुझे मिल जाएंगे ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो हैरी कैपिटल में यहाँ पर आ चुका है ऐसा नहीं है कि जो पुरानी स्ट्रिंग है वो चेंज हो गई तो ये सवाल आता है इंटरव्यू में इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो इम्यूटेबल होती हैं ठीक है थीके? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आप लोग को रिमाइंड कराने के लिए कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो इम्यूटेबल होती हैं स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल ठीक है और मैं इसको कॉमेंट्स बनाऊंगा ऑब्वियसली एक कॉमेंट बना दूंगा कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश की सहायता से ठीक है ताकि ये एग्जीक्यूट ना करे क्योंकि अगर ये एग्जीक्यूट करेगा तो एरर देगा और मैं चाहता नहीं हूँ कि एरर दे ठीक है चलो जी बढ़िया जैसे कि मैंने आप लोगों को अपर मेथड के बारे में बताया इसी तरह से एक लोअर मेथड भी एग्जिस्ट करता है जो कि हमारी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके देता है एंड बहुत ही ऑब्वियस ही चीज़ है कि द तो लोअर मेथड कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग टू तो लोअर केस ठीक है एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी मैंने दिया हुआ है इनकेस आप लोग ट्राई आउट करना चाहते हो क्या ये एग्जाम्पल स्ट्रिंग वन को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा पता है इस सवाल का जवाब क्या होता है नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्योंकि ये एक नई स्ट्रिंग बना देगा एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेंज नहीं करेगा स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन पाइथन आप उनको चेंज नहीं कर सकते ठीक है लेकिन आप एक नई स्ट्रिंग जरूर बना सकते हो स्ट्रिंग मेथड्स का यूज करके तो स्ट्रिंग मेथड्स क्या करते हैं आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग पर ऑपरेट करते हैं और एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं तो ये चीज हमने देखी ए डॉट अपर ए डॉट लोअर ए डॉट लोवर क्या करेगा पूरे हैरी को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा कैपिटलाइज था स्मॉल हो गया ठीक है ये बढ़िया है अब एक आर स्ट्रिप नाम का मेथड होता है जो कि ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को रिमूव करता है मान लो मैंने अपने नाम में कुछ इस तरह से लिखा होता ठीक है हैरी तो अगर मैं ए डॉट अपर ए डॉट लोअर या फिर ए फॉर देट मैटर प्रिंट करूँ अगर तो मुझे डायरेक्टली स्ट्रिंग मेरी मिल जाएगी लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ना ये स्ट्रिप अगर मिले तो मैं करूँगा ए डॉट आर स्ट्रिप ठीक है ये क्या करता है स्ट्रिप कर देता है किसको स्ट्रिप कर देता है जो ट्रेलिंग कैरेक्टर्स हैं उनको तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क को स्ट्रिप कर सकता हूँ कुछ इस तरह से आप लोग यहाँ पर देखो ये स्ट्रिप हो चुके हैं क्या ये लीडिंग को स्ट्रिप करता है क्या ये लीडिंग एक्सक्लेमेशन मार्क्स को स्ट्रिप करता है द आंसर इज नो एक्सक्लेमेशन स्टार्टिंग में लगा रहेगा जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ ट्रेलिंग को ये स्ट्रिप करता है ठीक है तो ये तो यार हमने सीख लिया ठीक है मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ हैरी को ताकि आप लोग को ये आर्ट स्ट्रिप के बारे में अच्छी तरह से समझ में आए अब रिप्लेस की बात कर लेते हैं ये क्या करता है रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ अ स्ट्रिंग विद एन अदर स्ट्रिंग मान लो मैं है हैरी की जगह जॉन लिखना चाहता हूँ ठीक है तो मैं लिखूंगा ए डॉट रिप्लेस रिप्लेस हैरी विद वॉट और मैं ऑब्वियसली डबल कोट में लिखूंगा रिप्लेस ऑल दी अकरेंसेज ऑफ हैरी विद जॉन तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये बिल्कुल यही स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी और जॉन यहां पर लिख कर आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो ठीक है क्या अगर यहां पर दो तीन हैरी और होते क्या वो भी चेंज होते हाँ यार ऑल अकर लिखा हुआ है तो सारे के सारे हैरी जॉन में चेंज हो जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो ए डॉट रिप्लेस हैरी जॉन जॉन हो गया ये हैरी हैरी था जॉन जॉन हो गया ठीक है तो ये चीज है अब स्प्लिट क्या करता है स्प्लिट एक बहुत ही बढ़िया मेथड होता है जो कि क्या करता है कि आपके ये जो स्ट्रिंग है इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है अब हमने लिस्ट के बारे में इतना ज़्यादा अभी पढ़ा नहीं है तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस मेथड के बारे में बट जैसे तो आप लोगों को करके दिखाऊँगा कि अगर मैं स्प्लिट करूँ स्प्लिट विद स्पेस करूँ और मेरी स्ट्रिंग में स्पेस भी होनी चाहिए तभी स्प्लिट होगा तो ये लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा ये लिस्ट का दूसरा एलिमेंट होगा अगर कहीं और स्पेस है तो ये लिस्ट का तीसरा एलिमेंट हो जाएगा यानी कि इसकी इसकी और इसकी एक लिस्ट बन जाएगी दिखाता हूँ आप लोगों को ये किस तरह से काम करती है चीज़ अगर मैं इसको रन करूँगा तो एक लिस्ट बनेगी उसमें आएगा हैरी फिर आएगा ये फिर आएगा ये हैरी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लिस्ट क्या होती है बताऊँगा आगे बहुत ही क्लियरली बताऊँगा लिस्ट के भी मेथड देखेंगे कैपिटलाइज मेथड होता है ये जावास्क्रिप्ट में ना जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज हाँ मैं जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है कैपिटलाइज मेथड कैपिटलाइज मेथड काफ़ी काम आता है जब आप ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हो मुझे याद है मैं जब अपनी पाइथन जेंगो ब्लॉग में कोडविथेरी डॉट कॉम को जब मैंने जब जेंगो में लिखा था तब मुझे ये बहुत काम आता था जब मुझे जो पहला कैरेक्टर था उसको कैपिटलाइज करना पड़ता था यानी कि पहले वाला जो मेरा कैरेक्टर है उसको मैं कैपिटल में दिखाना चाहता था जैसे मान लो मेरे ब्लॉग की हेडिंग है मैं आप ना बिल्कुल अच्छा रियलिस्टिक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि क्लियरली आपको समझ में आए ठीक है मान लो इंट्रोडक्शन टू जे ठीक है मान लो ये मेरी हैडिंग है अब मैं चाहता हूँ कि इसको कैपिटलाइज करके दिखाऊँ अब आपको अगर यार हेडिंग कोई बना लो ना ठीक से कैपिटलाइज करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है तो यार क्या होता है ना कभी कभी हम भूल जाते हैं कैपिटल में लिखना हम जल्दीबाजी में ऐसे लिख देते हैं तो अगर हमने जल्दीबाजी में भी ऐसे लिख दिया ब्लॉक की हेडिंग को तो मैं चाहूँगा कि मेरी ये जो ब्लॉक की हेडिंग है ना ये अच्छे से कन्वर्ट हो जाए किस में आ, इसका पहला करेक्टर अपर केस में ब्लॉग हैडिंग डॉट और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कैपिटलाइज और जैसे ही मैं ये करूंगा ये जो इसका पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल में आ जाएगा और मेरा ब्लॉग लुक वाइज अच्छा लगेगा आप देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू जेस का जो आई है वो कैपिटल में आ रहा है अब जो कि काफ़ी बढ़िया लगता है ठीक है तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं सेम चीज़ आ, कुछ इस तरह से लिखूँ मान लो किसी ने गलती कर दिया टी के ओ को कैपिटल कर दिया और ये गलती बहुत आम होती है जब आप ब्लॉग्स लिख रहे हो जब आप डेली दो तीन ब्लॉग्स पब्लिश कर रहे हो तो यार ह्यूमन एरर आ जाता है इस तरह का और मान लो आपने कुछ ऐसे लिख दिया ठीक है जे कैपिटल ठीक है अब आप इसको जब रन करोगे ना तब आप देखो यहां पर कैपिटलाइज क्या करेगा ऑटोमेटिकली इसको ठीक कर देगा देखो सारे इसने लोअर केस में कर दिए तो अगर यहां पर आप आओ और कैपिटलाइज मेथड की जो डिस्क्रिप्शन है उसको देखो तो आपको दिखेगा दी कैपिटलाइज मेथड टर्न्स ऑनली द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग टू अपर केस पहले कैरेक्टर को तो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा द string हैज नो इफेक्ट इफ द फर्स्ट करेक्टर इज ऑलरेडी अपर केस विच इज सो ऑब्वियस कि यार अगर आपका पहले से I अपर केस में होगा तो क्या ही करेगा ये ठीक है और ये भी लोअर केस में होंगे तो क्या ही करेगा जब सब कुछ हो रखा है तो कोई इफेक्ट नहीं लेता है कैपिटलाइज बट दिस इज हाउ इट वर्कस ठीक है इसके बाद एक सेंटर मेथड होता है सेंटर मेथड सिंपली क्या करता है अलाइन कर देता है स्ट्रिंग को टू द सेंटर एज पर द पैरामीटर गिवन तो मैं यही वाला एग्जाम्पल लूंगा जो कि मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इसको मैं रन करके आपको दिखाऊंगा तो आप देखो वेलकम टू द कंसोल में स्टार्टिंग में क्या होगा कि 50 जो है यहाँ पर आप देखो इसने स्पेसेस दे दिए हैं ठीक है थीके? अब मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ मैं इसकी लेन आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा लेन ऑफ दिस प्रिंट करके दिखाऊंगा और लेंथ ऑफ एस टी प्रिंट करके दिखाऊंगा तो अगर मैं प्रिंट करूँ लेन ऑफ एस टी आर वन और इसको रन करूं तो आप लोग देखना कि जो लेंथ ऑफ एस टी आर वन है वो पच्चीस है और इसकी लेंथ जो है वो पचास है तो ये करता क्या है सेंटर कि पच्चीस सौ स्ट्रिंग की लेंथ थी स्टार्टिंग में इसने क्या करा पच्चीस स्पेसिस और ऐड कर दी ताकि ये पूरा सेंटर की तरफ को मूव कर जाए तो इस तरह से काम करता है हमारा सेंटर मेथड ठीक है यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है अब आगे बढ़ेंगे और काउंट की बात करेंगे काउंट क्या करता है कि कोई भी एक चीज़ एक स्ट्रिंग में कितनी बार अगर कर, कर रही है वो हमें बताता है जैसे कि हैरी यहाँ पर दो बार आ रहा है तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि हैरी कितनी बार आ रहा है मेरी ए स्ट्रिंग में तो मैं कुछ इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ मैं कहूँगा कि ए डॉट काउंट हैरी मुझे बताओ कि ए स्ट्रिंग में हैरी कितनी बार आ रहा है दो बार आ रहा है तो देखो दो इसने यहाँ पर मुझे दे दिया ठीक है तो इस तरह से काउंट काम करता है फंक्शन फिर एंड्स विद फंक्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है इससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या कोई स्ट्रिंग गिवन कैरेक्टर्स के सेट में यह कहूँगा कि यह गिवेन स्ट्रिंग से एंड हो रही है कि नहीं हो रही है ठीक है मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं यही एग्जाम्पल दिखाऊंगा आप लोग को जो मैंने दिया हुआ है इसे कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ रैपलेट यूज़ करने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि यार यहाँ पर डायरेक्टली मैंने आप लोग के लिए ट्यूटोरियल लिख दिया आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो आइडियली आपने करना क्या है मैं आपको बताऊँ ये सवाल क्योंकि आ रहा था इसलिए मैं इंटरप्ट करके बता रहा हूँ आपको आप सबसे पहले फोक किया करो रैपल को मेरी मेरी रैपल को फोर्क किया करो सबसे पहले और फोक करने के बाद आप इसको ऐसे रन कर पाओगे आपको ये वाला जो इंटरफेस है वो दिखेगा अगर आप डायरेक्टली रैपल को एक्सेस करोगे तो आपको ये वाला इंटरफेस नहीं दिखेगा आपको फोर्क करना होगा फोर्क करने से क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट है आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार मुझे करना होगा ये मैं मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ इस लेक्चर को एक मिनट के लिए और आपको दिखाना चाहता हूँ ठीक है तो यहाँ पर अगर आप रैपलेट डॉट कॉम स्लैश कोर्ट में पर आते हो और यहाँ पर ऐट द रेट कोडवे लिखना होगा मुझे ऐट द रेट कोडवे पर आते हो तो जैसे मान लो मेरी ये रैपल है ठीक है आप क्या करोगे इसको फोक रैपल अपना लॉग इन करके आप यहाँ पर फोक रैपल पर क्लिक कर दो और जैसे आप लोग फोक रैपल पर क्लिक करोगे आप लोग को ये वाला इंटरफेस दिखेगा मैं मैं यहाँ पर लॉग इन न्यूज उस मुझे नहीं दिख रहा है बट यहाँ पर आपको ऐसा दिखेगा तो होता क्या है बेसिकली कि जो रैपल मैंने बना रखी है वो आपकी हो जाती है ठीक है तो आप अपनी रैपल में किसी भी तरह के एडिट्स कर सकते हो ठीक है तो ये चीज़ आपको बताना चाहता था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ठीक है तो एस टी आर वन डॉ टेंट्स विद ये करने से क्या होगा कि ये बताएगा कि क्या है? ये जो स्ट्रिंग है ये एंड हो रही है इससे तो हाँ हो रही है तो ट्रू यहाँ पर मुझे मिला मुझे बुलियन डेटा टाइप ये रिटर्न करके देगा बुलियन डेटा टाइप को मैं इफ एल्स में यूज़ कर सकता हूँ जो कि मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊँगा तो ये इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं हमारा एंड्स विद अब यहाँ पर देखो कि वी कैन इवन चेक फॉर अ वैल्यू इन बिटवीन द स्ट्रिंग बाय प्रोवाइडिंग स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स पोजिशन तो देखो यहाँ पर मैं ये भी बता सकता हूँ कि क्या ये से लेके ये तक टू में एंड हो रहा है समझ लो आप लोग इसका क्या मतलब हुआ मैं आप लोग को समझाता हूँ देखो अगर मैं इस स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करूँ ठीक है और मैं फोर्थ से लेके कर टेंथ तक जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा मुझे जीरो वन टू थ्री और ये मिलेगा मुझे जो मैंने हाईलाइट कर रखी है स्ट्रिंग वो मिलेगा ओ एम ई स्पेस टी ओ मिलेगा तो क्या ये स्ट्रिंग एंड कर रही है टी ओ में येस कर रही है इसलिए मुझे यहाँ पर ट्रू देखने को मिलेगा तो आप लोग देखो अगर मैं इसको कुछ इस तरह से रन करूँ एंड बाय द वे आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं एक वेरिएबल को ओवर कर सकता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग में इस तरह से ठीक है तो आप देखो यहाँ पर ट्रू मुझे देखने को मिल गया ठीक है तो ये इस तरह से काम करता है अब फाइंड मेथड की बात करते हैं फाइंड मेथड बहुत सिंपल सा मेथड है जो कि सर्च करता है फर्स्ट अक्रेंसेज ऑफ अ गिवन वैल्यू और रिटर्न करता है इंडेक्स जहाँ पर वो मौजूद है ठीक है तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर वो आपकी जो स्ट्रिंग है जिसको आप सर्च कर रहे हो वो नहीं मिलती है तो माइनस वन रिटर्न करता है ऐसे तो पता नहीं चलेगा तो इसलिए जल्दी से एग्जाम्पल देता हूँ आपको तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने एक डैन नाम का बंदा है ही इज ही इज़ नेम इज़ डैन लिखा हुआ है ही इज़ एन ऑनस्ट मैन अब आप लोग कहोगे ये ही इज़ ये क्या लिखा है आप ये क्यों यूज़ किया हुआ मैं आपको बताता हूँ इसको डिटेक्ट नहीं करेगा ये ये इसको डिटेक्ट करेगा इनफैक्ट इसको करेगा क्योंकि ये फर्स्ट अकरेंस है तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अगर हम डॉट फाइंड मेथड करेंगे तो इसकी इंडेक्स मुझे मिल जाएगी जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन मुझे मिलना चाहिए टेन मुझे मिल रहा है तो ये क्या करेगा फर्स्ट अकरेंस जो होगी इज़ की उसकी इंडेक्स मुझे यहाँ पर रिटर्न करके दे देगा तो एस टी आर वन डॉट फाइंड इज मैं अगर करूंगा तो इसकी पहली अकरेंस दे देगा ना ये देगा ना ये देगा ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये इज़ नहीं है पाइथन को नहीं पता पाइथन इंसान नहीं है ठीक है पाइथन इंसान नहीं है पाइथन एक स्नेक भी नहीं है पाइथन एक इंटरप्रेटर है कंप्यूटर है ठीक है तो वो कंप्यूट कर सकता है वो ये नहीं देख सकता कि ही इज का मतलब ही इज होता है ठीक है तो यहाँ पर लिटरली आई एस जहाँ मिलेगा उसकी इंडेक्स यहाँ पर ही मुझे दे देगा अब इसके बाद जो अगला मेथड जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या है इंडेक्स मेथड बेसिकली सेम होता है इनफैक्ट बहुत ही सिमिलर होता है फाइन मेथड के बट फ़ाइंड क्या करता है माइनस वन रिटर्न करता है अगर मैंने आई एस एच एच करा यहाँ पर तो ये माइनस वन रिटर्न कर देगा क्योंकि आई एस एच एच की कोई अकरेंस नहीं है स्ट्रिंग में तो माइनस वन रिटर्न कर देगा लेकिन अगर मैं यही काम करूँगा और मैं यहाँ पर इंडेक्स लिख दूंगा तो मुझे एक एक्सेप्शन रेज होकर मिलेगी तो मुझे एक एरर मिल जाएगा ठीक है तो मे बी अगर हम अपने प्रोग्राम में बहुत श्योर हैं कि ये हमें मिलना ही चाहिए इस स्ट्रिंग में तब हम इस तरह की चीज़ यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम एरर दे के एग्जिट हो जाए अगर ये नहीं मिली तो हम इंडेक्स को यूज़ करेंगे ठीक है तो ये इंडेक्स मेथड क्या करता है कि एक्सेप्शन रेज करता है और एग्जैक्टली सेम देखो वैल्यू एरर सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड ये ये इस तरह का जो है ये एरर थ्रो करता है ठीक है इसके बाद जो अगला मेथड है वो है इज एलनम कि क्या आपकी स्ट्रिंग एल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं ये पता लगाने के लिए हम इज एल्नम का यूज करते हैं दी इज एल्म मैथड रिटर्न ट्रू ओनली स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ ये कैरेक्टर यानी कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स इफ एनी अदर कैरेक्टर्स और पंचुएशन आर प्रेजेंट दैन इट रिटर्न फॉल्स ठीक है जैसे कि आप यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो देख सकते हो वेलकम टू द कंसोल हाँ ये मैं जरा इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि ये एरर दे रहा है मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा क्योंकि आई एस एच एच की कोई अक्रेंस नहीं है और ये एरर दे रहा है तो देखो यहाँ पर ये अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग है इसलिए यहाँ पर ट्रू आ गया अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब कैपिटल ए से कैपिटल जेड स्मॉल ए से स्मॉल जेड और जीरो से नाइन के बीच में कैरेक्टर से मिलकर बनी हुई स्ट्रिंग फिर इसके बाद एक इज अल्फ़ा होती है इसमें नंबर्स नहीं आते अल्फा न्यूमेरिक में नंबर्स भी आते हैं इस अल्फा में कैपिटल ए टू कैपिटल जेड स्मॉल ए टू स्मॉल जेड अगर है आपकी स्ट्रिंग के अंदर तो ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स रिटर्न करेगा और इस बार मैं यहाँ पर वेलकम डबल जीरो करके भी आपको दिखाऊंगा कि फॉल्स रिटर्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो मैं वेलकम डबल जीरो करूंगा तो फॉल्स रिटर्न होगा अभी हमने देखा ट्रू रिटर्न हो रहा था आई होप कि मैं बहुत तेज़ नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ तो देखो यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो गया अगर मैं डबल जीरो हटाऊंगा तो फॉल्स की जगह यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा ठीक है और ये आप खुद से करके देखो यार जब तक तो खुद से नहीं करके देखोगे ना इतना अच्छी क्लैरिटी नहीं हो पाएगी ठीक है इसके बाद इज लोअर क्या सारे के सारे कैरेक्टर इस लोअर केस में है कि नहीं तो ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये देखो आपके पास ये रैपल है आपको पता है फोक करके आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलना है आप अपनी मर्जी से इसको जहाँ मन चाहे मूव कर सकते हो नीचे चाहो तो नीचे मूव कर सकते हो इसको ऐसे मतलब इतना स्मूथ है ना ये नेविगेशन मतलब मैंने इस कोर्स के लिए रैपलेट को चुना इसीलिए चुना कि यार मज़ा आएगा यहाँ पर ट्यूटोरियल यहाँ पर फ्लोटिंग वीडियो मतलब मुझे नहीं लगता अच्छा एक्सपीरियंस हमें मिलेगा एज ऑफ नाउ ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इज़ प्रिंटेबल अगला मेथड है इज लोअर आप लोग ट्राई करना अगर लोअर केस से मिलकर बना हुआ है तो आपको ट्रू देगा अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल एच लगा दिया कोई भी एक कैरेक्टर अपर केस में हुआ तो यहाँ पर क्या होगा फॉल्स होगा ठीक है कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पर ट्रू हो जाएगा फिर से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ठीक है अब इस प्रिंटेबल क्या है ठीक है रिटर्न ट्रू इफ ऑल द वैल्यूज विद इन द गिवन स्ट्रिंग्स आर प्रिंटेबल अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स तो अगर कैरेक्टर प्रिंटेबल है तो ट्रू रिटर्न करेगा वरना फॉल्स रिटर्न करेगा जैसे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कौन से ये सारे कैरेक्टर्स प्रिंटेबल हैं इसलिए ट्रू रिटर्न करेगा बट अगर मैं यहाँ पर एक कैरेज रिटर्न लगा दूँ बैक्सलेशन तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि ये प्रिंटेबल कैरेक्टर नहीं है ये बैक्सलेसन आपको नहीं दिखेगा तो इसलिए ये फॉल्स अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ एस टी आर वन तो आप लोग को एन देखने को नहीं मिलेगा इसमें आपको एक न्यू लाइन करेक्टर लिटरली प्रिंट होकर मिलेगी तो ये बैक्सलेशन प्रिंटेबल करेक्टर में से नहीं आता है ठीक है तो आई होप कि आप समझ गए इस चीज़ को अब मैं क्या करूँगा कि आपको इस स्पेस के बारे में बताऊँगा ये ट्रू रिटर्न करता है ओनली एंड ओनली इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स वाइट स्पेसेस अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स तो अगर हमने वाइट स्पेसेस लगाई हैं स्पेस बार की सहायता से तो आपको ट्रू रिटर्न होकर मिलेगा ठीक है तो देखो मैंने ये स्पेस बार से लगाई हुई है यह स्पेसेस यहाँ पर इस तरह से और ये ट्रू मुझे रिटर्न कर रहा है अगर मैंने टैब से भी लगा दी ना तो वो भी वाइट स्पेस है ठीक है अगर मैंने टैब भी लगा दी ना तो भी वो वाइट स्पेस है तो यहां पर क्या स्पेस है इसमें ठीक है है तो ट्रू रिटर्न कर रहा है ठीक है ट्रू ट्रू आई होप कि आप समझ गए इस चीज को अब इस टाइटल एक मेथड होता है जो कि रिटर्न करता है ट्रू ओनली इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ़ दिसंगइज एल्स इट रिटर्न फॉर्स तो हम क्या कर सकते हैं अगर हम ब्लॉग में मैं मुझे याद है मैंने ये मेथड यूज़ किया था अपने जेंगो ब्लॉग में जब मुझे सारी की सारी जो टाइटल थी मेरे ब्लॉग्स के उनको मुझे कैपिटलाइज करके इस तरह से रखना था और अगर कोई भी कैपिटलाइज नहीं है तो मुझे डैशबोर्ड में दिख जाता था कि भाई इस वाले ब्लॉग का जो टाइटल है वो कैपिटलाइज नहीं है तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ मैं अगर इसको रन करूँ देखो मेरा आईफोन भी कह रहा है कि भाई मेरी ट्वेंटी बैटरी बची है जल्दी से जो है वीडियो ख़त्म करो बाय द वे आप में से कई लोग जानना चाहते हो मैं किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं कॉन्टिन्यूटी कैमरा यूज़ करता हूँ आईफोन का क्योंकि मुझे बहुत सारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको तो काफ़ी बढ़िया होता है अभी मैं वीडियो को एंड में बात करूँगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो किसी का uh, मैं इस टाइटल को ख़त्म करता हूँ जल्दी से टू किल अ मॉकिंग बर्ड ठीक है ये मैंने इस टाइटल है कि नहीं ये चेक करना है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ और यहाँ पर आप देखो कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड फॉल्स ठीक है अब इस पर क्या करता है इज़ लोअर जैसे कि हमने देखा था एक्जैक्टली exactly वही चीज़ है इसके बाद अगला मेथड है स्टार्ट विथ जो कि एग्जैक्टली एंड्स विथ की तरह है कि अगर आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हो रही है गिवन कैरेक्टर से तो आप जो है इसको आम, ट्रू देख पाओगे यहाँ पर ठीक है तो देखो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है पाइथन से इसके बाद अगला मेथड स्वाप केस है जो कि क्या करता है लोअर केस को अपर केस अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड आप लोग इसको रन करके प्रैक्टिस करना ठीक है स्वाप केस देखो ये इसने स्वाप कर दिए केसेस सारे अपर केस को लोअर लोअर को अपर बना दिया इसके बाद एक टाइटल मेथड है जो कि क्या करता है कि कन्वर्ट कर देता है इसको टाइटल केस में आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं इसको अगर रन करूँगा तो ही इज नेम इज़ टैन अब मैं इसको हिज़ कर देता हूँ यार हिज़ नेम इज़ डैन एंड डैन इज़ एन ऑनेस्ट मैन अब देखो क्या होगा कि आई कैपिटल हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो डी कैपिटल हो गया इसके सारे ये जो है फर्स्ट कैरेक्टर्स जो है कैपिटल हो गए आई कैपिटल हो गया तो ये ब्लॉग्स वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है ठीक है आई होप कि आप लोग को जो है ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से अब अगर जो लोग सुनना चाहते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग कैसे कर रहा हूँ ये क्या सेटअप लगा हुआ है मैं वो बताना चाहता हूँ ये भी बहुत सारा सवाल आ रहे हैं बाकी लोगों के लिए अगले वीडियो में आप लोग मिलना कोडिंग अभी सिर्फ इतनी ही है बस मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ सेटअप के बारे में अभी जिसको सुनना है वो सुन लेगा रुक के बाकी लोग अगला वीडियो देखो ठीक है तो देखो मैं क्या करता हूँ ना कि मेरा ये मैकबुक है ठीक है मैंने एक मैकबुक लिया है अभी रिसेंटली वीडियोस बनाने के लिए इसलिए लिया क्योंकि मैं मैकबुक से काफ़ी इंप्रेस था मैं अपनी वर्क प्लेस में मैकबुक यूज़ कर रहा था और मैकबुक मुझे काफ़ी सही लग रही थी तो मैंने मैकबुक ले ली मैंने कहा यार मेरी आदत पड़ गई थी मतलब देखो यहाँ मेरा एरो यहाँ जाता था विंडोज़ में ऑफिस का काम कर रहा हूँ तो यहाँ जा रहा था मैंने कहा अब यार मैकबुक पर ही रहते हैं ठीक है क्या विंडोज़ बुरा है नहीं यार विंडोज बहुत अच्छा है ठीक है और स्टार्ट विंडोज से ही करो मैं तो रेकमेंड यही करता हूँ ठीक है खैर वो सारी डिस्कशन किसी और वीडियो में लेकिन मैं ओ से रिकॉर्ड करता हूँ और मैं कंटिन्यूटी कैमरा एक फीचर होता है आ, आपके आईफोन में ठीक है कॉन्टीन्यूटी कैमरा क्या करता है मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्टीन्यूटी कैमरा अगर आपके पास एक मैकबुक है और आपके पास एक आईफोन है तो क्या होता है कि आप अपने आईफोन को जब अपने मैकबुक के पास लाते हो उसमें वाईफाई ब्लूटूथ ऑन करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका आईफोन एज अ वेब यूज़ होने लगता है ठीक है तो आप देखो कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है मेरा आईफोन से आ रही है क्वालिटी ठीक है तो मतलब मैंने ट्राई किया मेरे पास कैमरा भी है शायद आपको दिख भी रहा होगा वो पीछे रखा हुआ है मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ मेरे पास लेंसेज भी हैं अलग अलग तरह के और क्लियर हो सकती है क्वालिटी बट अगेन यार मैं प्रीटी सेटिसफाइड हूँ इससे आईफोन की क्वालिटी से ठीक है तो मैंने कहा कि यार मैंने माउंट कर रखा है यहाँ पर आईफोन अपना और बहुत ही आराम से सब कुछ चीज़ें हो रही हैं ठीक है थीके? अब इसमें क्या है ना काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है कि आपको ना चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स जैसे कि आप देखो यहाँ पर मैं सेंटर स्टेज करूँगा तो ये देखो ऐसे सेंटर पे आ गया ठीक है मैं पोर्ट्रेट करूँगा अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको मैं कहाँ से कर रहा हूँ ये चीज़ यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स का एक ऑप्शन आता है ठीक है तो यहाँ पर ये तीन ऑप्शन है मैं तीनों करके दिखा रहा हूँ आपको मैंने यहाँ पर अभी पहला वाला किया हुआ है टिक दूसरा वाला किया हुआ है टिक फिर स्टूडियो लाइट करूंगा तो ये देखो लाइटिंग चेंज हो रही है इस तरह से ठीक है तो पोर्ट्रेट करूँगा तो ब्लर हो गया बट उतना अच्छे से ब्लर ले नहीं रहा है आई थिंक इसको ये माइक ब्लर नहीं करना चाहिए था कम से कम ऐसे में हो जाऊँ तो थोड़ा ठीक लग रहा है ठीक है तो ये इसने डंडा भी ब्लर कर दिया माइक का तो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट्स है इसमें जो कि मुझे पता है एप्पल करेगा बट काफ़ी सही है यार मैं भी मैं इफेक्ट्स को ज़रा ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में इफेक्ट्स लगा देता हूँ मैंने इफेक्ट्स को यहाँ से ऑफ़ कर दिया क्योंकि मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में इफेक्ट्स लगा देता हूँ फिर डेस्क व्यू आता है डेस्क व्यू में आपको मेरी डेस्क देखने को मिलेगी आप देखो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मेरी डेस्क पूरी देखने को मिल रही है आप देख सकते हो यहाँ पर तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है यार काफ़ी बढ़िया सब कुछ देखने को मिल रहा है मेरी डेस्क पर क्या है मुझे मतलब Uh, ये वाला डेस्क व्यू मुझे देखने को मिल रहा है ये वाला व्यू ठीक या है मतलब काफ़ी इंप्रेसिव है यार ये आप देख रहे हो मतलब ये मुझे कहाँ से दिखा रहा है किस एंगल से दिखा रहा है मुझे तो इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी और बस यार बाकी मैंने ये माइक का सेटअप लगाया हुआ है अपना थोड़ा अच्छा वाला माइक है ये नॉर्मल माइक से भी काम हो ही जाता था बट अगेन यार मैंने अभी थोड़ा सा अपग्रेड किया है आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्वालिटी uh, अच्छी जब निकलती है ना तो फाइनली मज़ा आता है ठीक है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गायस थैंक यू सो मच गायज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू Next time.